हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज है संडे एंड आज पूजा जा रही है वापस बैंगलोर। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड या शी इज एक्साइटेड प्लस शी इज यू नो सैड, शी इज इमोशनल, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने दिन तक यहाँ पे थी और फिर जा रही है और उधर दादी है, ब्रेकफास्ट कर रही है दादी का। हाँ, तो अब थोड़े दिन में खुल जाएगा ना दादी, और वन वीक के बाद वो ठीक हो जाएगा। इधर डुगू है, डुगू भी नाश्ता कर रहा है। मम्मी ब्रेकफास्ट पूजा के लिए पैक करके दे रही है। एक्चुअली अभी इतना मॉर्निंग है, राइट नाउ इट्स 9 o'clock, तो सुबह सुबह खाने का मूड नहीं होता है, तो इसीलिए मम्मी पैक करके दे रही है सो दैट यू नो वो लोग ट्रेन पे आराम से खा सके। इवन आई एम फीलिंग बैड, क्योंकि यू नो ना बाय बोलना हमेशा बहुत ही बैड होता है, बहुत ही सैड होता है। और अब पता नहीं अब वो लोग कब आएंगे, मतलब ऑब्वियसली 1 year के बाद ही आएंगे, और ये सारा लगेज है उन लोगों का जो यू नो पैक हो गया है। बस हाफ एन आवर में वो लोग निकल जाएंगे। ऑलरेडी 9:30 हो चुका है, 10 o'clock वो लोग निकलेंगे, 11 o'clock जसीडी से ट्रेन है उन लोगों का। एंड यस, आप वीडियो में बने रहो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज इट्स बैडली रिक्वायर्ड, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और इधर है डुगू जी जो ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा है डुगू? पानी पूरी खा रहा है। ओके, वो पूरी को एक्चुअली पानी पूरी बोलता है, तो उसको लग रहा है वो पानी पूरी खा रहा है, तो इसीलिए आयो मेरे बच्चा डुगू, आई मिस यू, विल यू मिस मी? आई लव बेबी, आई लव यू डुगू टू। चिकू इज गोइंग, हाँ, एंड देयर इज डुगू। चिकू यू आर गोइंग बेबी? ठंडा लगे अंकल क्या? ओके, सबको पाउडर डाल रहे ठंडा लगने के लिए। देयर इज मम्मी हु इज क्राइंग। मम्मी इधर पैसा दे रही है सबको। इधर पीकू का रोना, क्योंकि पीकू को भी जाना था चिकू दीदी के साथ। अभी तो बहुत अच्छे से बाय बाय की, लेकिन अभी ये रोने लगे क्योंकि इसको भी जाना है। और अभी ये लोग जा रहे हैं, फाइनली पीकू को भी जाना है। बस वो लोग जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बट कांट डू एनीथिंग। और एक्चुअली विकी गया है ड्रॉप करने के लिए स्टेशन, तो अभी मैं ही दुकान में बैठी हूँ और उधर दादी बहुत इमोशनल होकर बैठी है बाहर। मम्मी भी ऊपर चले गई, आई डोंट नो, मम्मी रो रही थी तो बस पता नहीं। और फिर अब वो लोग शायद 1 year के बाद ही आएंगे यार, मतलब 1 year, 1 year बहुत ज़्यादा होता है, 365 days, या फिर उससे भी बाद में आएंगे पता नहीं। बस मैं बैठी हूँ शॉप में थोड़ी देर तक, विकी आ जाए उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। आई एम फीलिंग बैड बिकॉज यू नो घर में उन लोगों का शोर सुन सुन के ना, हम लोगों को बोलने से तो हम लोगों का सुबह होता था, बिकॉज वो लोग उठ जाते थे और कितना ज़्यादा बदमाशी करते थे यार, वो तो आपको पता ही, आपने वीडियो में देखा ही होगा कितना ज़्यादा तीनों मिल के बदमाशी करते थे। और पीकू तो अभी तक भी रो रही है, अभी तनु उसको लेके गई है चिप्स वगैरह देने के लिए, बट ये देखो पीकू का, वो अभी तक भी रो रही है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डुगू और चीकू को मिस कर रही है। और इधर दादी बैठी है सैड होके। और ये देखो हमारे घर में एक नई बहू रानी आई है। हाँ, हाँ, रुको 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 बाबा, हाय बहू रानी जी, कैसे हैं? नई बहू रानी चॉकलेट खाते हैं। ये देखो गाइस, प्यारी सी बहू रानी अभी जस्ट आई है शादी करके, और अभी ये जस्ट चॉकलेट भी खा रही है। मेरे पास है, नहीं चाहिए, पहले तुम अपना नाक सफा कर लो बहू रानी जी। नहीं चाहिए, मेरे पास है चॉकलेट, ये देखो। बाय बाय, फ्लाइंग किस दे दो, ओ माय गॉड, सो स्वीट, बाय बाय बहू रानी जी, बाय। बाय।
और गाइज एक्चुअली मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ बिकॉज बहुत वो अच्छा नहीं लग रहा था यार, तो हम लोग ऐसे ही बस सोए हुए थे एंड यू नो ऐसे ही। और अभी मैंगो चॉकलेट खाएंगे दादी आप, सुबह से शाम हो गया हम और दादी दुकान में ही बैठे हैं। दादी और मेरा ड्यूटी लगा है बिकॉज विकी लोग हैं नहीं, इसीलिए हम दोनों का ही ड्यूटी लगा है दुकान में, तो बस सब लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्टार्टेड माय डे विद बादाम बिकॉज बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है इसीलिए। और जस्ट अभी मॉर्निंग हुआ है, हम लोग चाय वाय का वेट कर रहे हैं। इधर है अल्लू रानी विद हर न्यू लुक, अच्छी लग रही है। ये इन लोगों ने जाके शॉपिंग किया था इसने और पूजा ने, बट प्यारी दिख रही है। एंड यस गाइस, सॉरी मैं कल वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, ऐसे यार थोड़ा सैड वाला मोमेंट था इसीलिए। एक्चुअली पीकू नीचे है, वो तनु के रूम पे, तनु उसको नहला रही है, वही मम्मी देख रही है और बोल रही है अच्छे से नहलाओ पीकू को। और ये देखो अपनी पीकू रानी नहा के आ चुकी है। पीकू हाय करो बेटा, ओह माय गॉड, पूरा खुश नहा के। हाँ बुआ नहा दिया। कौन नहला दिया? बुआ नहा, तनु बुआ कौन नहाया? तनु बुआ, तनु तनु इसको नहला दी। तो हम लोगों का खाने पीने के बाद अब टर्न है पीकू बेबी को खिलाने का। तो वो टोमेटो सॉस का पैकेट हमेशा अपने साथ रखती है, तो ये सैलेक बन के रेडी है पीकू बेबी के लिए। पीकू गोलू वो सोच रही है अरे बुआ क्या कर रही है, बुआ हमेशा क्या क्या वीडियो बनाती है ना पीकू। बट अच्छा यार पीकू जब बड़ी हो जाएगी ना, आई फील सो हैप्पी क्या मैं इसके लिए इतने सारे मेमोरीज रखी हूँ फ्रॉम द डे वन शी इज़ बॉर्न। और मतलब अब तो बनाते रहूँगी एंड इनफैक्ट मैं इसका भी चैनल खोल दूँगी जब ये थोड़ा सा बड़ी हो जाए, ताकि ये खुद से मैनेज कर पाए। बिकॉज मैं अपना चैनल खुद नहीं मैनेज कर पाती, मैं इसका कैसे मैनेज करूँगी। वैसे इसका इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप लोग चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं पीकू व्लॉग्स के नाम से। एंड गाइस प्लीज़ मेरे को भी फॉलो करो यार, मेरा 1K होने वाला है वहाँ पे फॉलोअर, जस्ट 1K प्लीज़ करा दो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज़ गो एंड फॉलो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ एटलीस्ट 1K करा दो यार, आज बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो मैं 1K में ही खुश हो रही हूँ, 100K हो जाएगा देन आई विल बी लाइक वाह। वो बोल रही है मुझे जल्दी से खिलाओ बुआ, नहीं तो मैं तुम्हें मार लूँगी। एंड ये न्यू लिप कलर है जो कि मैंने लिया था शुगर का, बहुत ही प्यारा है यार, आई एम डीपली इन लव विद दिस। बस 2 दिन मैंने अप्लाई किया बट सीरियसली बहुत अच्छा, मुझे पूजा ने सजेस्ट किया था, इट्स ऑसम। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय गाइस, हर हर महादेव।